कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है, मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार गाइस। तो फाइनली आइए जानते हैं इंडियन बॉलीवुड सिनेमा हाल के सी मच अवेंटेड व न्यू अपकमिंग मूवी हाउसफुल 5 के बारे में। जी हां दोस्तों, जिस न्यू अपकमिंग मूवी से जुड़ी आज के दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिसकी जानकारी खुद साजिद नाडियाडवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर के जरिए एक शानदार पोस्टर को शेयर करके कर दी है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि बीते दिनों जब इंडियन सिनेमा हॉल के बॉक्स ऑफिस पर हाउसफुल 4 मूवी रिलीज हुई थी तो बहुत ही जोर शोर के साथ धमाल मचाकर सुपर हिट हो गई थी। और अब इसी मूवी के 5वें पार्ट का भी अनाउंस कर दिया गया है। जिस न्यू अपकमिंग मूवी में फिर एक बार खिलाड़ियों के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार अपने कॉमेडी लुक में नजर आने वाले हैं। जब से इसी मूवी के फर्स्ट लुक पोस्टर को रिलीज किया गया है तब से इनके फैंस में इसी मूवी को लेकर के बहुत ही जबरदस्त का रिएक्शन देखने को मिल रहा है और लोग अब इसी मूवी को बहुत ही जल्द देखना चाहते हैं। जिस न्यू अपकमिंग मूवी को अब की बार तरुण मनसुखानी के निर्देशन में बनाया जा रहा है और वहीं प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को साजिद नाडियाडवाल प्रोड्यूस कर रहे हैं। फीमेल एक्टर की बात करें तो अभी कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है और ना ही अभी इसी मूवी में कोई साइड रोल को लीड करने वाले एक्टरों का अनाउंस किया गया है, लेकिन इस मूवी में आपको फिर एक बार मल्टी स्टारों के साथ रितेश देशमुख भी नजर आने वाले हैं। और वहीं बाकी स्टार कास्ट की बात करें तो अभी बहुत ही जोर शोर के साथ इसी मूवी में अपने अपने रोल को लीड करने वाले एक्टरों के स्टार कास्टिंग की प्रक्रिया जारी है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अक्षय कुमार इन दिनों अपने मच अवेंटेड व न्यू अपकमिंग मूवी बड़े मियां और छोटे मियां के शूटिंग को लेकर बिजी चल रहे हैं, क्योंकि ये मूवी 2024 में ईद के दिन रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी मूवी के साथ साल 2024 में अक्षय कुमार की दो मूवी रिलीज की जाएगी। एक मूवी बड़े मियां और छोटे मियां है तो वहीं दूसरी मूवी हाउसफुल 5 है, जो कि ये दोनों मूवी काफी ज्यादा हाई लेवल की होने वाली है। और अगर इसी के साथ इसी न्यू अपकमिंग मूवी हाउसफुल 5 की बात करें तो ये मूवी एक नई कहानी पर आधारित मूवी होने वाली है, जिस मूवी को अब की बार पूरे 500 करोड़ के लागत और मेकिंग बजट के साथ बनाया जा रहा है। और अगर एक्शन की बात करें तो इस पोस्टर में आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है इंडियाज बेस्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी इज बैक दिवाली 2024। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी साल 2024 में दीपावली के दिन रिलीज किया जाएगा और यह मूवी कार्तिक आर्यन की आने वाली न्यू अपकमिंग मूवी भूल भुलैया 3 को भी क्लैश कर सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है अक्षय कुमार सर की यह मूवी अब की बार इंडियन बॉलीवुड सिनेमा हॉल के बॉक्स ऑफिस पर हाउसफुल 4 से भी ज्यादा धमाल मचाएगी या नहीं, अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसी मूवी से जुड़ी यह न्यूज पसंद आई है तो हमारे इसी वीडियो और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे मिलता है प्रत्येक नई मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट।